हेलो, तो यू ऑल आर वेरी वेलकम टू केमिकल क्लासेस। तो आज हम लोगों ने फोटो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का पार्ट वन देख लिया था और सेकेंड पार्ट में हमें बस करना क्या है, उसी पार्ट वन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है उसको क्वेश्चन में अप्लाई करके हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो अगर हम फोटो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन की बात किए थे तो यहाँ पे हमने ये बता दिया था पार्ट वन में कि हैलोजन्स की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, मच मोर रिएक्टिव होता है किससे बेटा, क्लोरीन से, और क्लोरीन की रिएक्टिविटी चीज ज्यादा होती है ब्रोमीन से, एंड ब्रोमीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है किससे, आयोडीन की। जैसा हमने बताया था कि अगर किसी एल्केन को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है तो ज्यादा सेलेक्टिव दो ही हैलोजन होते हैं, एक होता है आपका क्लोरीन और एक होता है क्या बेटा, ब्रोमीन। चूंकि आयोडीन लेस रिएक्टिव होने की वजह से यहां पर रिएक्शन मैंने बताया था क्या होता है, रिवर्सिबल हो जाता है, जिस वजह से हम लोग फोटो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में जनरली आयोडीन को छोड़ देते हैं। और फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन जो कि खतरनाक रिएक्टिव होता है और हाईली रिएक्टिव होने के वजह से ये जनरली रिएक्शन में अगर पार्टिसिपेट करता भी है, मतलब मैंने बताया था कि अगर किसी एल्केन के साथ, अगर किसी एल्केन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं किसका, फ्लोरीन का एच न्यू के प्रेजेंस में, तो बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजिव होता है, बूम तरीके से सभी हाइड्रोजन को तोड़ेगा और हर जगह क्या लगाएगा बेटा, फ्लोरीन लगाएगा। हो सकता है कि जब तुम इस एल्केन का फ्लोरिनेशन करा रहे होगे तो हम पार्ट वन में ये भी बताए थे कि कराने के बाद ये इतना खतरनाक होता है, एक्सप्लोजिव होता है कि आग भी लग सकती है। इस वजह से हमें यहां पे एल्केन को एल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करना उतना आसान नहीं होता है जितना आसान हम लोग क्लोरीन एंड ब्रोमीन का केस देख सकते हैं। मैंने बताया था कि अगर इस एल्केन से हमें एल्काइल फ्लोराइड चाहिए तो हमें इसके एक्सप्लोसिव नेचर को कम करना पड़ेगा, और एक्सप्लोसिव नेचर को कम करने के लिए हमें फ्लोरीन के साथ नाइट्रोजन गैस डालनी पड़ेगी जो कि नेचर में क्या होता है बेटा, इनर्ट होता है, और साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन 300 टाइम्स ज्यादा होता है, 300 टाइम्स ज्यादा होता है फ्लोरीन से, और टेम्परेचर को आप लो रखिएगा -200 डिग्री सेल्सियस पे, तब जाके आपका CH3F बन सकता है। लेकिन इसका भी दावा नहीं है कि जो CH3F बन रहा है वो एक्सप्लोसिव होगा या नहीं होगा, बट इसके कंपेयर में एक्सप्लोसिव नेचर इसका क्या होगा, कम होगा। यहां तक हमारी बात समझ में आ गई थी। अब हमने बताया था कि मेनली फोटो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में क्लोरीन और ब्रोमीन को यूज करते थे, राइट, जिसमें हमने ये बता दिया था कि ब्रोमीन लेस रिएक्टिव होने के वजह से ज्यादा सेलेक्टिव होता है, ये मैक्सिमम सेलेक्टिव होता है, और ये क्या होता है बेटा, मिनिमम सेलेक्टिव होता है। यहां तक हमारी बात हो चुकी थी। अब हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। देखो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछेगा वो किस टाइप का क्वेश्चन अरेंज करता है, तो देखिए हम क्वेश्चन बताते हैं। जैसे यहां पे जो क्वेश्चन लिखा है, हाउ मेनी मोनोक्लोरेटिक प्रोडक्ट when two methyl butane react with Cl2/H nu including stereoisomer। मतलब ये हो गया कि 2-methyl butane जब Cl2/H nu से रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इतनी सहारी कहानी पार्ट वन में बतानी पड़ी। होप पार्ट वन के पूरे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। तो चलिए अब सीरियसली चलते हैं हमारे किस पॉइंट पे, हमारे क्वेश्चन के पॉइंट्स पे, ठीक है। तो मैं इसको यहां से हटाता हूं क्योंकि ये तो पार्ट वन का पार्ट था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है बेटा कि 2-methyl ब्यूटेन का मोनोक्लोरेशन कराना है और वो भी Cl2/H nu के प्रेजेंस में। तो देखिए भैया, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2-methyl ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो 2-methyl ब्यूटेन का स्ट्रक्चर होगा, यहां पे लगा होगा आपका CH3, वैलेंसी कंप्लीट करनी है यहां पे H, और ये क्या हो गया बेटा आपका CH2, और ये हो गया आपका CH2 एंड H, मतलब लिख सकते हैं CH3। देखिए लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है और दूसरे कार्बन पे मिथाइल लगा है, दैट मींस ये 2-methyl ब्यूटेन है। अब इसका रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा, इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग Cl2/H nu के
साथ। तो हमने ये बताया था कि क्लोरीन जो होता है वो लेस सेलेक्टिव होने के वजह से 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता है, 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता है, 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता है। अब देखिए ये कार्बन 1 डिग्री का है तो इससे अटैच ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन कितने डिग्री का है, चूंकि 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो ये 3 डिग्री का कार्बन है तो इससे अटैच हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा, 3 डिग्री का हाइड्रोजन। यानी ये वाला हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन है, और जबकि ये वाला कार्बन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है, 2 कार्बन से, यानी 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री कार्बन से अटैच ये वाला हाइड्रोजन जो होगा आपका वो क्या कहलाएगा बेटा, 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। तो जब इसका मोनोक्लोरेशन कराएंगे तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करेगा, 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करेगा, 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करेगा, और टोटल रिप्लेस होने के बाद जितने प्रोडक्ट बनेंगे उन सबको सम करके आप आंसर को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं कि क्या होगा। पहले मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं। अब देखो अगर यहां पे Cl2+HNO का रिएक्शन हुआ और ये पहले वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है 1 डिग्री के हाइड्रोजन को, तो इसको रिप्लेस करके इसकी जगह क्या बैठेगा बेटा, क्लोरीन विराजमान होगा। यानी पहला आंसर होगा आपका क्या, ये रहा आपका CH3, ये हो गया आपका CH3, यहां पे H लगा होगा और ये हो जाएगा आपका CH2 और यहां पे लग जाएगा आपका CH2Cl। देखिए पहला आंसर मिल गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि इस पहले आंसर में देखो क्या है कि इस 1 डिग्री के हाइड्रोजन को हटा के वहां पे क्या लग गया बेटा, क्लोरीन लग गया। अब ध्यान देना ध्यान से, चूंकि इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर की बात कर रहा है तो हमें स्टीरियोआइसोमर भी चेक करना पड़ेगा। और वो किस चेक करोगे, हम बताए थे तुम्हें कि अगर एक कार्बन से 4 ग्रुप डिफरेंट है, सपोज मान लो X, Y, Z और ये A, अगर एक कार्बन से 4 ग्रुप डिफरेंट होंगे तो ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं, कैरल कार्बन या कैरल सेंटर कहते हैं। और इस वजह से कंपाउंड में प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी, चूंकि हो सकता है कि कैरल सेंटर हो, तो ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के लिए हम एनेंसियोमर का फॉर्म करते हैं और वहां पे फॉर्मूला लगाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू 2n। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस कार्बन पे, यानी कैरल सेंटर को पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन से अटैच चारों ग्रुप क्या होने चाहिए बेटा, डिफरेंट। अब देखो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, कोई भी 2 ग्रुप, चारों ग्रुप डिफरेंट, यहां पे दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, यहां भी हाइड्रोजन सेम है, इस कार्बन पे 2 मिथाइल सेम है, यानी यहां पे एक भी कैरल सेंटर नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना, तब जब 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। अब हम क्या करते हैं, इस 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। तो अगर हम 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं Cl2+HNO का यूज करके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा आपका CH3 और यहां लगा है H और ये वहां पे लग गया CH और इस CH को एक H को हटा के इसके पोजीशन पे Cl लगा और बाकी इस कार्बन से क्या लगा हुआ है बेटा, एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ध्यान से देखो कि ये दूसरा प्रोडक्ट बन गया जब 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, ठीक है। अब रिप्लेस करने के बाद आप ध्यान देखिएगा कि इस कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप बेटा क्या हैं, डिफरेंट हैं, और चारों ग्रुप डिफरेंट होने के वजह से ये कार्बन क्या कहलाएगा, कैरल कार्बन कहलाएगा। तो इस केस में प्रोडक्ट तो 1 बन रहा था क्योंकि इसमें कैरल सेंटर नहीं था, लेकिन इस केस में अगर प्रोडक्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, चूंकि कैरल सेंटर है तो इसका एनेंसियोमर पेयर बनेगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का फॉर्मूला 2n होगा। 2n, n क्या है यहां पे, कैरल सेंटर, तो बताइए यहां पे कैरल सेंटर कितने नजर आ रहे हैं भाई, इस कार्बन पे 3 CH3 हैं, इस कार्बन पे 2 CH3 सेम हैं, लेकिन इस कार्बन पे एक H, एक Cl, एक CH3 और एक पूरा ग्रुप, यानी ये कैरल सेंटर है, यानी एक कैरल सेंटर है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इस केस में इसका कितना प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, 2 मिलेगा, यानी 2 यहां से मिला, 1 यहां से मिला। अब क्या करते हैं, यानी ये A केस हो गया, ये B केस हो गया, अब बात कर लेते हैं C केस की। तीसरे केस में हम 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री को तो निकाल चुके हैं, 2 डिग्री को भी निकाल
चुके हैं, अब बात आती है 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की। तो अगर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो इस हाइड्रोजन की जगह क्या बैठेगा, Cl2 बैठ जाएगा, मतलब Cl बैठ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ये रहा CH3, ये रहा CH, ये रहा CH3, और यहां पे क्या विराजमान हो गया आपका Cl, और ये क्या है CH2 CH3, यानी ये हो गया CH2 और ये हो गया आपका CH3। अब देखिए, एक बार 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन को हटाया, एक बार 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन को हटाया, एक बार 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन को हटाया। हटाने के बाद अब देखिए क्या कहीं भी कैरल सेंटर मिल रहे हैं। भाई इस कार्बन पे 3 CH3 सेम, इस कार्बन पे 2X सेम, इस कार्बन पे 1 ग्रुप 2 ग्रुप, लेकिन 2 ग्रुप सेम यानी एक भी कैरल सेंटर नहीं है। तो इसमें प्रोडक्ट कितना बनेगा बेटा, ओनली 1 ही प्रोडक्ट बनेगा। यानी मैंने 1 डिग्री को हटा दिया, 2 डिग्री को हटा दिया, 3 डिग्री को हटा दिया। अब तुम देखो गलती क्या करोगे, तुम तुरंत आंसर बता दोगे सर 2, 1, 3 और 1, 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा बेटा 4। लेकिन 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन यहां भी है और यहां भी है। देखो ध्यान से, ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है भाई, ये वाला कार्बन जो है 1 डिग्री का कार्बन है, और 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। तुम बोलोगे सर जब 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस कर चुके हैं तो फिर क्यों रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद देखते हैं क्या प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है। अगर प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो जो एक बार रिप्लेस करके प्रोडक्ट बनाया हो वही रहेगा, और अगर रिप्लेस करने के बाद, इसको रिप्लेस करने के बाद, हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद, कौन सा हाइड्रोजन, जो 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, रिप्लेस करने के बाद अगर प्रोडक्ट चेंज आ रहा है तो उसको भी तुम इंक्लूड करोगे किसमें, प्रोडक्ट में। अब ध्यान देखो कि चौथा केस क्या होगा। अब यहां पे मैं इस एच को हटा के यहां पे एक सीएल जोड़ता हूं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका भी रिएक्शन किससे कराएंगे, Cl2 + HNO से कराएंगे। जैसे ही कराओगे इस को हटा के यहां पे Cl बैठाओगे तो ये बनेगा आपका क्या, ये हो गया CH3, और इस CH3 के बाद ये वाला कार्बन है, और इस कार्बन पे लग गया CH2, एक Cl लग गया। देखो CH2 Cl, एक H ऑलरेडी यहां पे है, और इसके आगे क्या है बेटा CH2 एंड CH3, यानी ये हो गया CH2 और ये रहा आपका CH3। अब ध्यान से देखो, जब इस 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन को हटाए थे तो एक भी कैरल सेंटर नहीं मिला था, लेकिन इस वाले हाइड्रोजन को हटाने के बाद ये वाला कार्बन देखो कैरल कार्बन कहलाएगा, क्योंकि तो इस कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप क्या हो जाएंगे बेटा, डिफरेंट हो जाएंगे, यानी ये भी क्या कहलाएगा, कैरल कार्बन कहलाएगा। और इस केस में प्रोडक्ट निकालना है तो कैरल सेंटर कितना है भाई, एक ही कैरल कार्बन है, n की वैल्यू 1 होगी, 2 का पावर 1 = कितना हो गया 2, राइट right? यानी 2 यहां से। अब देखो यहां पे 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन को निकाले थे तो कैरल सेंटर नहीं मिला था, कैरल कार्बन नहीं मिला था, लेकिन इसको रिप्लेस करोगे या इसको रिप्लेस करोगे तो कैरल सेंटर मिल जाएगा भाई। यहां पे अगर सीएल की जगह यहां लगा दे तो भी यही प्रोडक्ट मिलेगा, यानी चाहे यहां कर लो चाहे यहां कर लो। तो टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरेटिंग प्रोडक्ट व्हेन 2-methylbutane रिएक्ट विद Cl2 + HNO इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, तो भाई 2 यहां से मिला, 2 यहां से मिला, और क्या हुआ, 2 यहां से मिला, 2 ये वाला मिला, और प्लस 1 यहां से मिला और 1 यहां से मिला, यानी +1, और ये कितना हो गया +1। टोटल कितने हो गए, 2, 2, 4, 5 और 1, 6, बहुत आराम से आंसर क्या होगा बेटा 6। होप आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो मोनोक्लोरेटिंग प्रोडक्ट जब भी पूछे, कॉन्सेप्ट एज इट इज होगा, आंसर बहुत फ्लैट होगा, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। तो मोनोक्लोरेटिंग प्रोडक्ट का ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। और फोटो रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन, जब हैलोजन रिएक्ट करते हैं एल्केन से, तो उसके भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में यहां पे आ चुके होंगे। चलिए हम दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं, इसी टाइप के दूसरे एग्जांपल को करा दें ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इसको मैं हटाता हूं यहां से और क्वेश्चन में डायरेक्ट देता हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक और क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर क्या सिर्फ मोनोक्लोरेशन होगा, क्या मोनोब्रोमेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। सेलेक्टिव होता है
लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया कि मोनोब्रोमेशन कितना होगा इस कंपाउंड का, जैसे मान लो भैया कि ये कंपाउंड दिया हुआ है 10-1, ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिया हुआ है, यहां पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां एक मिथाइल लगा हुआ है, यहां मिथाइल लगा हुआ है, और इसका रिएक्शन किससे करा रहा बेटा, Br2/HNO से करा रहा है, और पूछ रहा है बताओ इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे। क्या पूछ रहा है, मोनोब्रोमेशन प्रोडक्ट कितने बनेंगे। अगर ये एग्जाम में आ गया कि मोनोब्रोमेशन प्रोडक्ट मेजर नहीं, क्योंकि मेजर अगर पूछ दिया तो 3 डिग्री वाले कार्बन को में, ये 3 डिग्री वाला कार्बन है, यहां से H को हटा के यहां पे क्या जोड़ देना होगा बेटा, ब्रोमीन। मेजर प्रोडक्ट पूछेगा तो 3 डिग्री वाले कार्बन हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, क्योंकि पता है ब्रोमीन ज्यादा सेलेक्टिव होता है, तो 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन को हटा के वहां अटैक कर देगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब इस कंपाउंड का रिएक्शन Br2/HNO से होगा तो कितने मोनोब्रोमेशन प्रोडक्ट बनेंगे, यानी या तो मोनोक्लोरेशन पूछ सकता है या तो मोनोब्रोमेशन। हमें पता है क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है ब्रोमीन के कंपेयर में, बट ब्रोमीन भी तो रिएक्शन करेगा, पहले 3 डिग्री को खोजेगा, फिर 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन टूटेगा, फिर 1 डिग्री वाले। अब इसमें पूछा है मोनोब्रोमेशन प्रोडक्ट, तो पहले देख लेते हैं भाई, ये कार्बन की बात कर लो, चाहे इस कार्बन की बात कर लो, चाहे इस कार्बन की बात कर लो, तीनों कार्बन देखो कितने डिग्री के हैं भाई, ये 3 डिग्री कार्बन है। अब बताओ इस कार्बन की अगर बात कर लो, चाहे इस कार्बन की बात कर लो, चाहे इस कार्बन की, देखो 2 कार्बन से अटैच हैं, यानी ये 2 डिग्री वाले कार्बन हो गए। और ये वाला कार्बन की अगर हम बात कर लो, जैसे यहां पे लगा होगा CH3, तो ये कार्बन सिंगल कार्बन से कनेक्टेड है, यानी ये 1 डिग्री कार्बन होगा। तो सबसे पहले ब्रोमीन कहां अटैक करेगा, 3 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह ब्रोमीन बैठ जाएगा, यानी एक प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, एक प्रोडक्ट बनेगा यहां पे 10-1 10-1 10-1, और यहीं पे क्या लग गया बेटा, एक ब्रोमीन, एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। अब बताओ ये कैरल सेंटर है, देखो इस कार्बन से एक CH3, एक Br, ये कार्बन एक CH3, ये कार्बन एक CH3 कॉमन है, यानी कैरल सेंटर नहीं है, एक प्रोडक्ट ये बन गया। दूसरा, अब दूसरा प्रोडक्ट चेक करना है भाई, तो 2 डिग्री वाले पे अटैक कराओ, इस पे अटैक कराओगे 2 डिग्री वाला, यानी 2 डिग्री वाला कार्बन यहां है, इससे अटैच हाइड्रोजन क्या होगा, 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन, यानी ये 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये 3 डिग्री वाला क्या था बेटा, हाइड्रोजन, तो यहां से हटाओ, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, दूसरा प्रोडक्ट आपका बनेगा 10-1 10-1 10-1, और यहां क्या लग गया बेटा, ब्रोमीन लग गया। देखो ये दूसरा प्रोडक्ट बन गया जब 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। अब तीसरा केस क्या होगा भाई, 1 को भी हटा चुका है, 2 को भी हटा चुका है, अब बात किसकी होगी, 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन की बात होगी, सॉरी 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन की बात होगी, क्योंकि ये कार्बन 1 डिग्री का है, तो इसको भी हटा के यहां ब्रोमीन जोड़ेगा, तो तीसरा प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, तीसरा प्रोडक्ट आपका ये बनेगा आपका कुछ इस तरह से, यहां लग जाएगा CH2 Br, एक ग्रुप ऐसा लगा है और एक ऐसा लगा है। तो भाई देखिए, अगर ऑप्शन पूछा है कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3, ऑप्शन सी दिया हुआ है 4, ऑप्शन डी दिया हुआ है 5, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं सर, 1 2 3, यानी सही आंसर क्या होगा, बी आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट, यानी इस कंपाउंड का अगर मोनोब्रोमेशन कराते हैं तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 3, क्योंकि इन तीनों प्रोडक्ट में कैरल सेंटर तो है नहीं, चाहे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर की बात करें, चाहे एक्सक्लूडिंग की बात करें, या ऐड करे या इसको क्या करे, एक्सक्लूड कर दे, छोड़ दे, टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे बेटा, 3 ही बनेंगे। होप आपको ये बात एकदम दिमाग में बैठ चुकी होगी। तो या तो मोनोक्लोरेशन से पूछेगा कॉन्सेप्ट, या तो किससे पूछेगा, मोनोब्रोमेशन से क्वेश्चन पूछेगा। होप आपको यहां तक बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए पॉइंट पर, एक नए डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।